एक बात याद आ गई, एक अध्यापक जी थे, एक अध्यापक जी मास्टर साहब, और प्लीज यहां पर कोई अध्यापक जी बैठे हो तो जरा बुराई न मानिए, दृष्टांत है। अध्यापक जी ने विद्यालय के बच्चों से कहा कि बच्चों दीप्ति साहब विद्यालय का निरीक्षण करने के लिए आ रहे हैं और तुम सभी बच्चे नए नए कपड़ा बनवाए लो, दीप्ति साहब आने वाले हैं। सभी विद्यार्थी कहने लगे कि साहब हम तो नए कपड़ा बनवा लेंगे पर पायजामा तुम्हारा बाबा आदम के जमाने को हम देख रहे। अध्यापक जी बोले अच्छा ठीक है पायजामा हम भी नया बनवा लेंगे। अध्यापक जी ने नया पायजामा बनवाओ, सब पायजामा चार अंगुल नीचो है, चार अंगुल नीचो। अध्यापक जी ने अपनी पत्नी से कही कि देवी जो हमारा पायजामा चार अंगुल नीचो है ना सो नाप के काट दियो, सिलाई करके रख दियो। अध्यापक की पत्नी बोली के उम्र ले जा हमारा पायजामा ठीक कर पाइए, सवेरे उठ के तुम्हारे रोटी बना, गुड़िया को बना, पिंकी को बना, रिंकी को बना, सिंकी को बना, करुआ को बना, ललुआ कुछ बात हुआ को बना, टक्कू को बना, टप्पू को बना, हमारा तो समझ जाए भी निकल जाए। जो हमारा जो कितने बार बच्चे आते हैं अब खुद समझो, ये कर देने। अध्यापक जी ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी मेरे पैजामा को तुम ठीक कर दियो। बेटी बोली पिताजी मेरे पास भी समय कहाँ है, मैं सुबह विद्यालय के लिए चली जाती हूँ, उसके बाद मैं लौट के आती हूँ, विद्यालय का काम फिर घर का काम फिर मैं ट्यूशन के लिए चली जाती हूँ। लड़के से कहा, लड़का कहने लगो कि पिताजी हम नहीं ठीक कर पाएंगे, सुबह हम विद्यालय जाते हैं वहां से लौट करके आते ही फिर हम ट्यूशन के लिए चले जाते ही उसके बाद में लौट के आकर सबने मना कर दिया। अध्यापक जी का पायजामा को भूखी पिटांग के चले, मास्टर साहब की पत्नी के दिन में ध्यान आओ तो मास्टर साहब ने पायजामा की कही और हम उनके झुंझलाए पड़े, अल्लाह पायजामा ठीक कर ले। सो चार अंगुल उन्होंने नापो काट के सिलाई करके अब भूखी पिटांग। लड़की विद्यालय से पढ़ के आई, सोचने लगी पिताजी ने पैजामा की कही और हमने स्वीकार कर दिया, चलो ट्यूशन के लिए 10 मिनट लेट ही तो हो जाए, अल्लाह पिताजी को पैजामा ठीक कर दे। सो चार अंगुल उन्नी नापो काट के सिलाई करके भाई खूटी बता दो। लड़का जब पढ़ के आओ सोचने लगो पिताजी ने पैजामा की कही और हमने इनकार कर दिया, ला विद्यालय को काम बाद में करिए पहले पिताजी को पैजामा ठीक करो। उन्नी उठा सो अंदाज सो चार अंगुर की जगह पे 8 अंगुर बच्ची थी उन्नी चलाई गई तो सिलाई करके भाई खूटी बढ़ता मिला। अब खुद अंदाज लगाइए अब जो पैजामा तो रहो ना तो लड़ा की चट्टी बन गई, अब खुद ही सब। अध्यापक जी ने सुबह कोई पायजामा उठाओ, हाँ अध्यापक जी जब लौट के आए तो सोचने लगे पायजामा जैसो रख गए वैसो ही रखो, ला हम को ठीक कर। सो अध्यापक जी ने अंदाज सोती थी उल्टू चलाई में और सिलाई करके रख लो, सवेरो भाव पैजामा की घड़ी करी, पैजामा बगल में दबाओ, बारिश हो गई थी, पैजामा अवे पहन के जाइए तो जो गंदो हो जाइए, विद्यालय के करीब कौन जाएंगे तब हम पैजामा पहने, विद्यालय के निकट पहुंचे उससे पहले डिप्टी साहब की गाड़ी विद्यालय में आकर के खड़ी
अब जैसे गाड़ी को हॉर्न सुनो, अध्यापक जी समझ गए कि डिप्टी साहब अब डिप्टी साहब की ओर देखत जाए पैजामा पहन जाए। डिप्टी साहब की नजर पड़ी, कहने लगी अरे अध्यापक अध्यापक जी ये क्या चक्कर है। बोले साहब कोई चक्कर नहीं, रोजाना आता हूं समय पर विद्यालय, बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाता हूं, सब चक्कर कोई नहीं, सब ठीक है। लेकिन नीचे ने डिप्टी साहब कहने लगे कि अरे अध्यापक जी नीचे तो देखो ये क्या चक्कर है। नीचे जब देखो तो वो पैजामा घुटमन के ऊपर खड़ो। अध्यापक जी बोले के साहब हम ही चक्कर में ना, हमारा पूरा खानदान को खानदान चक्कर में है, अकेले हम ही चक्कर में ना।